हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज आपका टेस्ट नंबर 141। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच। क्लियर है, कहाँ स्थित है पंबन द्वीप? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पंबन द्वीप का दूसरा नाम क्या है? पंबन द्वीप का दूसरा नाम क्या है? पंबन द्वीप का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, यह है पंबन द्वीप का दूसरा नाम। और अगर पूछा जाए कि पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर यहाँ पे एक हो सकता है, मन्नार की खाड़ी, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। यहाँ दूसरा आंसर हो सकता है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो दो आंसर हो गया पंबन द्वीप का, एक तो भारत और श्रीलंका, दूसरा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? यह हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था? केसर ए हिंद की उपाधि से किस वायसराय ने सम्मानित किया था महारानी विक्टोरिया को? कौन थे उस वक्त के वायसराय? उस वक्त के वायसराय थे लिटन। ठीक है, कब किया गया था इनको? इनको 1876-77 में सम्मानित किया गया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है 1876-77 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन था? एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन कौन था? तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम नेत्रहीन है एरिक बिन मेमर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एरिक बिन मेमर। ठीक है, क्या नाम है? एरिक बिन मेमर। ठीक है, यह है वो नेत्रहीन इंसान जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन किस बीमारी के इलाज में प्रभावकारी है? क्लोरोमाइसिटिन किस बीमारी के इलाज में यूज किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? तारीख में पूछ रहा हूं, सिर्फ ईयर मत बताना। राज्यसभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? यह हुई थी 13 मई 1952। 1952 तो लगभग सबको आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो वसा का पाचन जो है वह लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है? लाइपेज। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन प्रोटीज एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीज। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग द्वारा होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस अंग द्वारा होता है? इसका पाचन शुरू कहां से हो जाता है? मुख से। ठीक है, किस अंग से द्वारा शुरू होता है, ये यहां पे बेस्ट होगा।
ठीक है, किस अंग द्वारा शुरू होता है? तो मुख में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो है आपका एमाइलेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? किसकी है हेमावती सहायक नदी? तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बेलूर यांगची नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात कहाँ स्थित है? गोकक जलप्रपात बेलागावी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेलागावी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति का जनक किसको माना जाता है? ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, इसका जनक किसको माना जाता है? इसका जनक माना जाता है यूक्लिड को। किसको माना जाता है? यूक्लिड को माना जाता है ज्योमेट्री का जनक। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मिकी माउस किसकी कृति है? मिक्की माउस किसकी कृति है? किसकी है? वाल्ट डिज्नी की। किसकी है? वाल्ट डिज्नी की, ठीक है, वाल्ट डिज्नी की कृति है मिक्की माउस। अगला क्वेश्चन है, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम क्या है? तो नॉर्दर्न रोडेशिया का नया नाम है जाम्बिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाइस मेल का आविष्कारक कौन है? वाइस मेल का आविष्कारक कौन है? वाइस मेल का आविष्कारक है गोर्डन मैथ्यूज। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोर्डन मैथ्यूज, ठीक है। इन्होंने वाइस मेल का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? व्हाइट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जहां व्हाइट हाउस स्थित है वहीं पे व्हाइट पर्वत भी स्थित है, यानी यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, धुआधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है आपका धुआधार। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने किस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताया था? इब्न बतूता ने किस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताया था? तो कौन सा शहर है वो शहर है दिल्ली। इसको दुनिया का सबसे बड़ा मंडी बताया गया था इब्न बतूता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट के मंदिर को किसने बनवाया था? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, आपको बताना है इसको बनवाया किसने था? किसने बनवाया था इसको? सूर्य देव वर्मन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सूर्यदेव वर्मन द्वितीय, ये भी आपको याद रखना है, सूर्यदेव वर्मन या सूर्य वर्मन लिखा रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ये हैं B.S. मिन्हास, ठीक है, B.S. मिन्हास, ये है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय थे रिपन, ठीक है, कौन थे? रिपन थे। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था?
रिपन तो थे, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन किस चीज से संबंधित था? हंटर कमीशन किस चीज से संबंधित था? हंटर कमीशन किस चीज से संबंधित था? तो हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये जैम्बेजी नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा था? आप जानते हो पृथ्वीराज रासो के राइटर कौन है? चंद्रवरदाई। आपको बताना है चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखा था? तो किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अक्षांश का अंतर कितना है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अक्षांशों का अंतर कितना है? कितना है? यह है 47 अंश। ठीक है, 47 अंश का अंतर है किसके बीच? कर्क और मकर रेखा के बीच। अंश या अक्षांश, ठीक है, या डिग्री, अब जिसको मानो। क्योंकि देखो यहाँ पे है इस तरह से, जब आप पूरा सर्कल बनाओगे, ठीक है, तो इक्वेटर मिलेगा ये बीच में, यहाँ आपको मिलेगा कौन सा? मकर रेखा, और ये मिलेगा कर्क रेखा ऊपर पे। यहाँ से यहाँ तक बीच में कितने अक्षांशों का अंतर है? तो टोटल 47, क्योंकि कर्क रेखा जो है वह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा जो है वह है 23.5 डिग्री क्या? साउथ। तो इन दोनों के बीच में 47 डिग्री का अंतर हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई? बक्सर युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई थी? बक्सर युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि हुई थी। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनवाया बनाया था? किसने बनाया था? एनेक्जी मेंडर के द्वारा। ठीक है, एनेक्जी मेंडर ने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 117 दिन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? ये बैंकिंग टर्म है, ठीक है, बैंक से संबंधित ये रिलेटेड है। बताओ एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? कौन सा है? यह है 7वां अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? कौन था? राजा राजेंद्र तृतीय। ये हुआ चोल वंश का अंतिम राजा। याद रखना है ये तृतीय द्वितीय ये सब छोड़ मत देना। अगला क्वेश्चन है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्रम। ठीक है, द्वार समुद्रम होयसल वंश की राजधानी थी, या द्वाब समुद्र या समुद्रम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहमन वंश का अंतिम शासक हुआ कली मुल्ला। कौन हुआ? कली मुल्ला, ये बहमन वंश का अंतिम शासक हुआ। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के साथ लड़ा था। ठीक है, राणा सांगा के साथ। और ये खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? ये माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी? माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो की कृति है द लास्ट जजमेंट। अगला क्वेश्चन है, फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करता है? इंग्लिश चैनल फ्रांस को किससे अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? हेमेंद्र नाथ ने। हेमेंद्र नाथ के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, हेमेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये शायद देवेंद्र नाथ के तीसरे पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1865 ईस्वी के बाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र काकर गोड़ा में है। ठीक है, काकर गोड़ या काकर गोड़ा में। ठीक है, नारियल अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की माता का नाम क्या है? हुमायूं के माता का नाम क्या था? तो हुमायूं के माता का नाम है माहम सुल्तान, सुल्ताना, माहम सुल्ताना, ये थी हुमायूं की माता। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि है नांदेड़ में। कहाँ है? नांदेड़ में है गुरु गोविंद सिंह की समाधि। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक अमित्रघात किसको कहते थे? बहुत बार आपने पढ़ा है अमित्रघात किसका उपनाम है? ये है बिंदुसार। ठीक है, कौन कौन कहते थे बिंदुसार को अमित्रघात? तो यूनानी लेखक, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिंदुसार को अमित्रघात किसने कहा? यूनानी लेखक कौन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? वी एस रामा देवी। कौन थी? वी एस रामा देवी थी राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। ठीक है, तो ओके गाइस, यहाँ पे आज हमारा 50 क्वेश्चन पूरा होता है। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन आपको रिवाइज करने में हेल्प कर रहा है और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो। चलिए, कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।